अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में अच्छे से मसरूफ होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास बड़ी डक्स भी हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इनकी भी वीडियो शेयर कर दूँ। तो देख सकते हैं, वाइट कलर में भी हैं और ब्लैक और वाइट भी है, बहुत ही खूबसूरत डक्स हैं। तो इनको पालना इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन इनके लिए जगह काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए कि ये बाहर घूमती फिरती हैं और बाहर ही खाती पीती हैं ज़्यादातर। जिनके घर के नज़दीक खुली जगह है उनके लिए इनको रखना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि ये जब घर से बाहर निकलती हैं तो खुद ही अपने खाने की चीज़ें ढूंढ लेती हैं। वैसे ये बाजरा भी खा लेती हैं, मकई भी खा लेती हैं और गंदम भी खाती हैं, जिसे हम कनक भी बोलते हैं, रोटी भी खाती हैं। तो इतना मुश्किल नहीं है इनको रखना, लेकिन घर में के बाहर आपके पास खुली जगह ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये घूमती रहती हैं और पास ही कोई नदी नाला वगैरह हो तो उसके पानी में ये खेलती रहती हैं और नहाती रहती हैं। इनका भी लोग गोश्त और अंडे खाते हैं, काफ़ी मज़ेदार होता है इनका गोश्त, अंडों का जायका भी काफ़ी लजीज होता है इनका। जो लोग इनके शौकीन हैं या दीवाने हैं उनको पता कि ये कितनी खूबसूरत होती हैं, या जिन लोगों ने रखी हुई है उनको पता ये बहुत ही खूबसूरत होती हैं। तो वैसे ये काटती भी हैं, अगर बच्चे इनको तंग करें तो ये काटती भी हैं, बड़ों को भी काटती हैं अगर कोई इनको तंग करे। वैसे बहुत ही खूबसूरत होती हैं ये, पानी में भी खेलती हैं और मुझे तो बहुत खूबसूरत लगती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ इनकी वीडियो शेयर करूं। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, ताकि इस तरह की मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ बड़ी मेहनत से, तो आप वीडियो को ज़रूर पूरे एंड तक देखा करें। बहुत शुक्रिया। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.